आपके साथ अंजलि आनंद। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। वो कल यानी शनिवार को पटना पहुंचे। आज भी उनका हनुमंत कथा का कार्यक्रम है। कल पहले दिन राजधानी के तरेत मठ में उन्होंने फिर एक बार हिंदू राष्ट्र की बात छेड़ दी और कहा कि हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा होना बाकी है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को बिहार के पटना पहुंचे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का हजूम पटना के नौबतपुर स्थित तरेत गांव में उमड़ पड़ा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जब मंच पर पहुंचे तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी आरती उतारी। यहां वो एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बोलते दिखाई दिए। एक बार एक महात्मा जी को मिले, वो बोले महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। बिहार में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। बाबा के इस बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। बीजेपी के लिए संदेश है जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। शनिवार को जब बाबा का पटना में आगमन हुआ तो जनसैलाब उमड़ गया। बाबा की झलक पाने को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई और इस स्वागत में फूलों की बारिश हुई तो केंद्रीय मंत्री भी उनके सत्कार में खड़े नजर आए। बिहार में बागेश्वर सरकार, पटना में हुआ भव्य सत्कार, स्वागत में उमड़ा बिहार, गदगद हुए बागेश्वर सरकार। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी बाबा बागेश्वर का बिहार की राजधानी पटना में आगमन। पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में फूलों की बारिश हुई तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुद बाबा का स्वागत किया। पटना पहुंचते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों से कहा कि रउआ सब ठीक बानी ना। पटना में लोगों की भीड़ बता रही थी कि बाबा बागेश्वर का स्टारडम कैसा है। लोग बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिखे तो लोगों के जय घोष से पूरा बिहार गुंजायमान था। पटना में बाबा बागेश्वर की एंट्री भी गजब हुई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कार को खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ड्राइव किया और बाबा को होटल तक लेकर पहुंचे। मनोज तिवारी ने गाना गाते हुए कहा सजा दो बिहार अपना, मेरे सरकार आए हैं। वो कहते सजा दो बिहार को गुलशन सा, अरे हटो नहीं, बागेश्वर धाम आए, बिहार बड़ा स्वागत कर रहा है। इससे पहले बाबा ने अपने समर्थकों का अभिवादन किया, साथ ही कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। सब साथ में कुछ बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोग हमारी आत्मा है, बिहार हमारी आत्मा है, सच बताएं। यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बाहर आए। बाबा पटना एयरपोर्ट से सीधे होटल पनास पहुंचे जहां पर पहले से ही इंतजार कर रहे काफी संख्या में समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है। हम लोग अभी उसी का आकलन कर रहे हैं कि कहां कहां पर बलों की प्रतिनियुक्ति ज्यादा आवश्यक है या कुछ जो सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर ज्यादा क्राउड का मूवमेंट होने वाला है या क्राउड जहां पर ज्यादा गैदर होगा तो वहां पर हम अपने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स और ज्यादा से ज्यादा बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। तो हम लोगों ने पॉइंट्स तो पहले ही चिन्हित कर लिए थे लेकिन अभी आवश्यकता अनुसार और मौके की नजाकत को देखते हुए बलों की प्रतिनियुक्ति तदनुसार की जाएगी। इधर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होने से पहले जब बाबा होटल से निकले तो एक बार फिर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरा इलाका जय घोष से गूंजने लगा। पटना में ऐसा स्वागत देखकर बाबा गदगद नजर आए। उन्होंने एक बार फिर लोगों का अभिवादन किया। बागेश्वर धाम के बाबा बिहार पहुंचे जहां नौबतपुर के तरेत पाली मठ में 17 मई तक उनका दरबार लगा है और जहां जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।